आकाश को इस हालत में अकेले छोड़कर जाना। वीर, हाँ वीर मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो है कहाँ? चंद्रिका और नंदिनी मिले हुए, मैं जानवी तक ना जा पाऊं इसलिए मुझे मार के। चंद्रिका खतरे में, मुझे उसे नारे में छुपे सांप के बारे में बताना होगा। चाचू, आपने जो स्थापना करने के लिए दिया था वो रखने से पहले ही टूट गया, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका एक ही अर्थ है, अनर्थ। काली शक्ति को हम घर से दूर रखना चाहते हैं, वो घर के भीतर ही मौजूद है। आपके कहने का मतलब है कि डायन इस घर के अंदर है? हेलो 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 चाचू, हेलो हेलो हेलो। अरे फोन को भी इसी समय जाना था बंद। नंबर स्विच्ड ऑफ। जानवी, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। ये लीजिए मैम, बड़ी मैम साहब ने खास आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा आपने रात में कुछ नहीं खाया, इसलिए कम से कम इसे जरूर पी लें। प्लीज बुलाने पानी मत लेना चाहिए। बेटी कहाँ है? मैं ये कतई नहीं मानती कि मेरी बेटी की मौत किसी दुर्घटना में हुई है। तुम सबने मारा है उसे। उसे रास पता चल गया था और उसका मुंह बंद रखने के लिए तुम लोगों ने ही किया है ये सब। ये तो मर चुकी, किसने बड़ी बेरहमी से इसका मुंह कुचल दिया, पर ये है कौन? शायद ये बूंदी बाई की माँ है। मैं समझ सकता हूँ पे क्या बीत रही है, पर आप देखिए ऐसे इल्जाम मत लगाइए। गार्ड, इनको प्लीज बाहर तक छोड़ दो। तुम सबने मिलकर मारा है मेरी बेटी को, तुम में से कोई खुश नहीं रहेगा। देखना, ये एक माँ का श्राप है। तुमने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ईश्वर भी नहीं बख्शेगा तुम। आंटी, क्या हुआ आंटी? शांत हो जाइए, आप आइए मेरे साथ, आइए। आंटी बताइए मुझे, अब क्या कहना चाह रही थी, किस राज के बारे में बात कर रही थी आप? जिस दिन उसकी मौत हुई उससे एक दिन पहले ही मैंने उससे बात की थी कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग पैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। बहुत गहरा राज छुपा है इस होटल में। खतरनाक दरिंदे रहते हैं इन दीवारों के पीछे, और सबसे ज्यादा खतरनाक जानती हो कौन है? कौन? साहब के मामा और मामी। आंटी, आपकी बेटी कौन सी राज के बारे में बात कर रही थी? वो राज क्या है वो बताइए मुझे। उसने सिर्फ इतना बताया कि उसे कुछ पता चला है जिससे वो बहुत पैसे मांग सकती है। फिर वो बोली, मैं मामा से मिलने जा रही हूँ। अगले ही दिन मरे हुई मिली मेरी बच्ची। आंटी आप रोइए मत। आपको मानना है तो मानो, वरना मत मानो। लेकिन यहाँ जैसे जो दिखता है वैसा है नहीं।
क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही थी। तो डायन का राज कपाल बाबा ही बताएंगे। मेरे टोटकों से एक डायन तो संभल नहीं रही थी, अब तो डायन कैसे संभालूंगा? कौन है तू? क्या चुराने आया है? कैसे पहुंचा यहाँ तू? जवाब दे। बाबा जी, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। बाबा जी, मेरी भतीजी की जान खतरे में है। बाबा जी, मैं दो डायन का राज जानना चाहता हूँ। बाबा जी, मैं वसीदा भी हूँ। बाबा जी। अंदर आ जाओ। अंदर? और मैं तो बाबा जी अंदर ही हूँ। सीधे चले आओ। डायन का राज उज्जैन का सबसे गहरा राज। हाँ बाबा, उसे बचाने के लिए मेरे लिए ये राज जानना अति अनिवार्य है। मेरी मदद करो बाबा। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ ये राज क्या है। बाबा बाबा, मुझे बता दो ये राज क्या है। मंगलसूत्र के बिना मैं डायन को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मेरे सामने है। से पता लगाओ कि कौन से चेहरे के पीछे डायन छुपी हुई है। कैसे? कौन हो सकता है? कैसे पता लगाऊं मैं? हे भगवान, आप ही मेरी मदद की। कहते हैं अगर जिंदगी में डायन हो तो उसका खौफ भी होना जरूरी है, क्योंकि डायन जब चाहे जो चाहे उसे पा लेती है, उसे पाकर ही रहती है। उसकी हकीकत, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई केवल एक टूटा हुआ आईना ही जानता है और कोई नहीं। टूटे शीशे में डायन का सच। टूटा हुआ शीशा है, मेरे सवालों का जवाब देगा। ये कैसी आवाज है? क्या हुआ जानवी? पता नहीं वो कैसे। ये कांच कैसे टूट गया? किसी को भी लग सकता है, हम इसे अभी क्लियर करवाते हैं। आशा, जानवी, आप आकर्ष के पास जाइए। आई गेट दिस ऑर्डर। ना अच्छा मौका था पता लगाने का, लेकिन भी मेरे हाथ से चला गया। अब हमें कैसे पता लगा मामा जी के बारे में? आशा, हाँ मुझे आशा से बात करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता कभी। तू चाहे ना चाहे, यही सच है। और जब ये पता चल चुका है तो तू जानता है तुझे करना क्या है। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? डायन को मारने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तू नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं। डायन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुझे ये करना ही होगा।
जा, जल्दी जा। थैंक यू आशा। क्या भाभी आप भी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? नहीं आशा, अगर तुम नहीं होती तो आकर्ष इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। तुम नहीं होती तो मुझे अमृत के घर का पता नहीं चलता। और हाँ भाभी, पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया। वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। काश मुझे पता चल जाए, फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाए। भाभी अगर मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, मामा जी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना आप तो जानती हैं। हाँ पता नहीं, मुझे भी मामा जी थोड़े वियर्ड ही लगते हैं। अब जिस तरह से बिहेव करते हैं हमेशा, हर टाइम मेरी गलती निकालने के पीछे पड़े रहते, समझ में नहीं आता है क्यों। अब तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो बूंदी बाई थी ना, जिनकी लाश हमें मिली थी, उनकी माँ आ जाई थी। वो बता रही थी कि बूंदी बाई को मामा जी के किसी राज के बारे में पता चल गया और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। अब पता नहीं आशा, सच क्या है, झूठ क्या है, क्या मानना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। सच भाभी, ऐसा कहा उन्होंने? भाभी मुझे भी ना मामा जी अजीब लगते हैं। अगर वो भैया के रिश्तेदार नहीं होते ना तो मैं कभी चुप नहीं बैठती। कैसे शक नहीं होगा? देखिए ना, वो इन सब चीजों में, पाठ पूजा में बिल्कुल नहीं मानते। महाकाल के मंदिर से प्रसाद आया था, वो भी उन्होंने फेंकवा दिया, खाया तक नहीं। कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते पापा। भाभी आप भी दूर ही रहिए। मुझे मामा मामी पर नजर रखनी होगी, जानना होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या चला रही थी वो बुड्ढी? किसी ने सुन लिया और कुछ शक हो जाता तो? किसी को शक नहीं होगा बाबा, मैंने सब कुछ बहुत तरीके से संभाल लिया, कुछ नहीं होगा। तुम भी नॉर्मल बिहेव करो, कोई पूछे तब भी। कहाँ जा रहे हो? जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में। बस देखना चाहता था कि जो मैंने बेहोशी में सुना वो सच था या फिर एक सपना। क्या मैं सच में तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हें हाँ कर सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त को, इस पल को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आपका सूप पीने का वक्त है। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ।
मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं आकाश, कभी भी नहीं। आप ये सूट आकाश सर को दे दीजिए और कहना मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। जी अच्छा। जानवी, मुझे इसे रोकना होगा। कहाँ चले गए? अभी तो यही थे, इतनी देर में कहाँ जा सकते? जानवी मेरे साथ आओ। चाचू आप, नहीं नहीं मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती, वो मामा मामी श्रेयंज को लेकर कहीं बाहर गए, मुझे लगता है उनमें से कोई डायन है, मुझे उनके पीछे जाना होगा। बाद में देखेंगे, अभी चलो मेरे साथ। चाचू मैं नहीं आ सकती, बात क्या है? डायन का विनाश करना चाहती हो ना, तो उन लोगों का पीछा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वैसे भी संकट को कुरेदने से कुछ भी हासिल नहीं होता, उसकी असल वजह जानने के बाद ही उसका हल प्राप्त किया जा सकता है। संकट की असली वजह मुझे पता चल चुकी है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दो डायन से लड़ने का समाधान बताता हूँ। चाचू लेकिन जो भी है आप मुझे यहाँ पे भी तो बता सकते हैं, बताइए ना बात क्या है। यहाँ नहीं बता सकता, किसी खास जगह पर ही बताऊंगा, चलो मेरे साथ। चाचू लेकिन चाचू जानवी कहाँ चली गई? कपाल बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे बट ये कपाल बाबा है कौन चाचू? चाचू अगर आपने रास्ता ढूंढ लिया ना तो मैं आग बंद करके उस रास्ते में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बताइए तो सही चाचू, जिस वक्त किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया उस वक्त सिर्फ आपने मुझ पर भरोसा किया चाचू, जैसे आप मेरी ताकत बने ना वैसे आज मैं आपकी ताकत बनूंगी चाचू, लेकिन आप बताइए तो सही हम जा कहाँ रहे हैं? कपाल बाबा ने क्या कहा? कौन सी रास्ता? दो डायन? क्या है ये सब चाचू? चाचू मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बताइए। चलो बस तो। अब चाचू कहाँ जा रहे? चाचा जी वो देखो वो रहा उपाय। ये तो सूखा कुआ है, यहाँ कौन सी उपाय? कितना बदनसीब हूं मैं, मेरी भतीजी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अपने हाथों से मारा, हाथों से मारा। माफ कर देना बेटा, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। जानवी!
जानवी कहाँ हो तुम? मैं आइडिया भी नहीं है कि चंद्रिका और नंदिनी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तुम कहाँ हो जानवी? मेनका जी, आकर्ष की तबीयत तो अब ठीक हो गई है, बस खबर देते रहिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अब हम लोग चलते। जी बिल्कुल। अगर जानवी इन लोगों के साथ भी नहीं है तो फिर जानवी है कहाँ? में से किसी ना किसी को कुछ ना पूछ तो पता होगा, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। नारियल पानी पियोगे? इसको प्लीज दूर रखो। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग भी है। नंदी नंदी प्लीज ट्राई, इसको दूर रखो। नंदी बहुत बेनिफिशियल, इसको इसको प्लीज प्लीज। जिसने नारियल का रस पहले जाना, पीना भी तो उसे ही पहले होगा ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस है। ट्राई ट्राई तो करो ना, ट्राई। आकाश, ये नारियल ये जानवी को मारना चाहती है और अब ये मुझे मारना चाहती है। आकाश क्या कह रहे हो तुम? क्या बोल क्या रहे ये? आकाश मैंने खुद सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी के साथ की इसमें बहुत जहरीला सांप है। आकाश ये जानवी को मारना चाहती है। आकाश मैं सुबह से जानवी को ढूंढ रहा हूँ, जानवी कहीं नहीं मिल रही। आकाश ये इसने जानवी के साथ कुछ कर दिया है। वीर लेकिन नंदिनी ऐसा करेगी क्यों? आकाश तुम इसे खुद खोल के देखो। आकाश आकाश व्हाट रबिश इज दिस? आई एम लीविंग। नंदिनी मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? चाचा जी यहाँ कैसे पहुंची मैं? आउच कौन? हम सपेरे हैं, सांप पकड़ने गए थे, तुम्हारी चीखें सुनाई दी। ये आवाज कहां से आई? अंदर कोई है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अगर आप नहीं होते तो एक सांप ने डस लिया था, हमने जहर निकाल कर मरहम लगा दिया है, अभी आपको आराम करना चाहिए। नहीं भैया, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा, मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए। मैं चलती हूँ, धन्यवाद। क्यों चाचा जी, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? आपको मुझे जवाब देना ही होगा। देख लिया, हो गई तसल्ली? मैं क्या पागल हूँ क्या जो नारियल में सांप लेके घूमूंगी? झूठ मत बोलो नंदिनी। आकाश मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे ना अब इसकी कोई और नॉनसेंस नहीं सुननी है। और आकाश तुम ना, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, टू स्टे हाइड्रेटेड। अब तुम एक काम करो, तुम ये पियो। नहीं आकर्ष, आई नो तुम परेशान हो कि जानवी कहाँ है, कैसी होगी, इवन आई एम वरीड, बट इस सवाल का जवाब ना मुझे पता है कहाँ मिलेगा, पूछो इससे। तुम्हें अजीब भी लगता आकर्ष? भाई आखिर ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो अपने ही फ्रेंड के ससुराल में इतने दिन रुका हुआ है? अजीब नहीं लगता? कहीं इसी ने तो कुछ बकवास कर रही हो तुम। आकर्ष जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों उसे कि... Exactly. जानवी से अपना फ्रेंड मानती है, पर तुम, I don't know,
तुम उसे क्या मानते हो? How dare you? How dare you? Stop it! बंद करो तमाशा। तुम में से अगर किसी को नहीं पता ना जानवी क्या है तो यहाँ से निकल जाओ। आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आकाश, आकाश प्लीज मेरी बात सुनो। लकी युवा कि मैंने मौका मिलते ही वहां पर ये नारियल बदल दिया कॉरिडोर में, नहीं तो पता है आज क्या होता। एनीवे फिलहाल मेरी लाइफ की टेंशन सिर्फ वो जानवी है। अगर उसे लाइफ से बाहर नहीं किया ना तो आकर्ष के साथ मेरी कोई लाइफ नहीं होगी। पर है कहाँ वो? हाँ, आई नो कि जानवी नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुलिस के पास चला जाऊँ। पिछली बार पुलिस के पास जाने का नतीजा देखा था ना तुमने, क्या हुआ था? उसे पागल खाने भेज दिया था उन्होंने, और ये रिस्क मैं दोबारा नहीं ले सकता। आकाश मैं समझता हूँ, पर जानवी कहीं नहीं मिल रही है। पूरे घर में ढूंढा मैंने उसे, वो कहीं नहीं मिल रही है, फोन नहीं उठा रही है। डायन ने तो उसे कुछ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कौन से जमाने में जी रहे हो? अरे पढ़े लिखे लोग और फिर भी तुम इस बात पर विश्वास कर रहे हो? आकाश मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। नहीं क्या सिर्फ, क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो लगता है नंदिनी सही कह रही थी, तुम हम दोनों को साथ में खुश देख ही नहीं सकते हो। कहीं तुम ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे हो उसे दूर करने के लिए मुझसे? आकाश ये क्या बोल रहे हो तुम? जानवी, आकाश जानवी मेरी फ्रेंड है, मैं उसके लिए कुछ बुरा भला क्यों सोचूंगा यार? तो फिर आज के बाद तुम ऐसी कोई बात में उसका सपोर्ट नहीं करोगे? ये डायन, ये काला सांप, ये शक्ति कुछ नहीं, इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। ब्रिजेश चाचा, कमंडल का पानी ज्यादा हो गया क्या आज? अनर्थ हो गया भाई साहब। ब्रिजेश भाई ऐसे ही रोते रहेगा कि कुछ बताएगा? अरे हुआ क्या है? मैं देख के आती हूँ। अरे वाह सरप्राइज, देखो कौन आया है। अरे जानवी। जानवी? अरे जानवी कैसी है तू? आकाश नहीं आया? बेटा तू अकेले आई, सब ठीक तो है? हाँ वो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अरे यहाँ क्यों खड़ी है बेटा, अंदर आना। आजा आजा बहू, गाजर का हलवा लेके आ, मैंने अपने हाथों से बनाया तेरे लिए बेटा। वो मैं ब्रिजेश चाचू से मिलने आई थी। क्यों अपना मूड खराब करना चाहती हो जानवी? आज ऐसे भी वो उल्टी पुल्टी बातें ही कर रहे हैं। एक्चुअली भैया वो मामा जी को पता चला कि वो ज्योतिष विद्या इन सब में है, तो उनको कुछ पूछताछ करनी थी, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने आई थी। कहाँ है वो? बेटा अभी तो इधर ही था, शायद अंदर गया होगा। देख मैं देख के आती हूँ पापा। चाचा जी, चाचा जी दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं तुमसे आंख कैसे मिला पाऊंगा? चाचा जी मैं आपसे मिलने आई हूँ, दरवाजा खोलिए। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया। नहीं जो भी वजह रही हो, पर मैं तुमसे आंख नहीं मिला पाऊंगा। चाचा जी देखिए मैं जवाब लिए बगैर यहाँ से जाऊंगी नहीं। देखिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कमरे में ही है। देखिए चाचा जी जो हो गया सो हो गया, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। जवाब लिए बगैर मैं घर नहीं जाने वाली हूँ, यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। दरवाजा खोलिए। मैं तुमसे आंख नहीं मिला पाऊंगा। देखिए मैं नहीं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप ही डायन के वश में? बोलिए चाचा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? अम्मा जी इलायची वाली चाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सबको पसंद है। रख दीजिए और जानवी को बुला लाइए। आशा रुको, क्या हुआ? वो जानवी कल रात को बहुत थकी हुई थी, तो अभी वो आराम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता हमें उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। जानवी घर पे है? I mean,
मुझे तो लगा कि मैंने उसको अभी अभी बाहर जाते हुए देखा। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम जाके देख लेते हैं ना। पर आप इसे ऐसे शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं मुझे? आप चलिए अंदर चल के चेक कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई ट्रस्ट यू। हाँ आकर्ष, इतना गुस्सा, इतनी परेशानी, हमें लगता है आपको भी आराम की जरूरत है। आप जाइए अंदर और थोड़ी देर सो जाइए, ठीक है? आइए चाय पीते हैं। सवालों का जवाब चाहिए चाचा जी। जानवी, जानवी मिल लिया। चलो सब नीचे बुला रहे हैं। कहां हो तुम जानवी? क्या बोलूं मैं सब लोगों को? पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हो तुम मुझे। ये ले बेटा। अब चाचा जी फिर से कहीं चले गए? अरे जानवी उनका छोड़, उनका तो हमेशा कैसे ही है, कुछ दिनों घंटों या महीनों के बाद चले आएंगे। आधे टाइम तो उनको होश नहीं रहता, किससे मदद मांगने चली आई थी? पृथ्वी ऐसे मत बोलो यार, मेरी बुआ का बेटा है, भाई है मेरा। उसकी हरकतें चाहे कैसी भी हो लेकिन इंसान अच्छा है। क्या चाचा जी आप ही कहते हैं ना कि आप उसको इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं? वो टोटका पत्थर ना जाने क्या क्या करते रहते हैं वो। पता नहीं ब्रिजेश किन बाबाओं के चक्रों में फंसा हुआ है, उसकी परेशानी खुद की पाली हुई है, लेकिन उसने हमें कभी भी तकलीफ नहीं दी। कौन से बाबा के पास जाते वो? अरे जानवी कौन से बाबा के पास नहीं जाते, धुनी बाबा, कपाली बाबा, ना जाने किन किन बाबा के पास जाते। भगवान जाने कि बाबा के पास जाते हैं या उल्टे सीधे किसी अघोरी के पास। आप ऐसे मत कहिए, भरोसे की बात होती है, सब बुरे नहीं होते। भैया टैक्सी बुला दीजिए ना, आकाश उठ गए होंगे, वेट कर रहे होंगे। ओए होए, आधा घंटा भी दूर नहीं रहा जा रहा। चुप कर, कुछ भी बोलती है। विशाखा बेटा थोड़ा सा गाजर का हलवा एक डिब्बे में रख दे, आकाश के लिए लेके जाना। जानवी ये लो। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? हाँ वो भाभी आप किसी कपाल बाबा को जानते? कपाल बाबा तो बहुत माने हुए तांत्रिक है। कहाँ मिलेंगे वो? कहाँ मिलेंगे ये ठीक से मैं भी नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि वो महाकाल का मंदिर है ना, उसके आगे एक जंगल पड़ता है, वो जंगल से आगे जाके एक टेकड़ी मंदिर है, उस टेकड़ी मंदिर से उत्तर दिशा की तरफ जाओगी तो एक गुफा मिलेगी, बस उसी में रहता है ये कपाल बाबा। मानते हैं कि बहुत सालों से वो इंसानों से दूर उस गुफा में जाकर रहते हैं। पर जानवी तुम्हें इस कपाल बाबा का क्या काम है? एक्चुअली कुछ भी नहीं भाभी, वो चाचा जी की चिंता हो रही थी इसके लिए। मैं चलती हूँ भाभी, आप अपना ध्यान रखना। चलिए भैया। भैया सीधा ही चलते रहिए, मैं आपको बताती हूँ। वो आगे आगे राइट पे रोक दीजिए। थैंक यू। भैया मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्लीज आप कहीं मत जाना, प्लीज भैया। कपाल बाबा,
प्रणाम बाबा। कौन है तू? कैसे पहुंची यहाँ? इससे पहले कि मेरा कोप तुझे भस्म कर दे, निकल जा यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने सवालों के जवाब ये बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बताइए, बात क्या है बाबा? आपने ऐसा क्या बताया चाचा जी को जो वो मेरी जान लेना चाहते थे? क्या बात है, क्या राज छुपा रहे आप लोग मुझसे? मेरे ध्यान में विघ्न करके मुझसे सवाल, चली जाए यहाँ से वरना बचेगी नहीं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है बाबा, तभी मैं यहाँ इस जंगल में आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने चाचा जी से क्या कहा? वो चाचा जी जो कभी मेरा नुकसान नहीं कर सकते, उन्होंने मुझ पर वार किया सिर्फ आपके कहने पर। आखिर ऐसा क्या कहा आपने बताइए बाबा, क्या कहा आपने चाचा जी से? अडिग महिला को ना कोई रोक सकता है ना कोई थाम सकता है, दृढ़ निश्चय इंसान का सबसे प्रबल शस्त्र है। सच जानने की भूख तुम्हें यहाँ ले ही आई, ढूंढ निकाला तुमने मुझे। जो तुमने सुना मैं बताता हूँ, लेकिन सच साधारण नहीं है। असाधारण तो मेरी जीवन कब की बन चुकी है बाबा, अब प्लीज बताइए बात क्या है? मुझ में सच सुनने की शक्ति है, हिम्मत है। अपशगुन, घोर अपशगुन। बाबा बाहर आ, बाबा बाहर निकल। ये कौन है? डायन। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें उससे बचाने के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। वहाँ एक छोटा सा रास्ता है, अगर मैं ना लौटूं तो सही समय देखकर यहाँ से निकल जाना। लेकिन पापा, कहाँ छुपी है तू? मैं बाहर आ गया हूँ, सामने आ डायन। मैं कोई तेरा प्यादा नहीं जो तुझसे डर जाऊं। आज या तो तू बचेगी या मैं। आज तेरा खात्मा यही हो जाएगा। जी
जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए, रिवर्स लीजिए। भाभी, क्या हुआ भाभी? जानवी, आकाश तो कह रहे थे कि आप रात को जल्दी सो गई थी, फिर इस वक्त? हाँ, सो गई थी ना, इसीलिए तो सुबह जल्दी उठ गई थी। अब तो सोचा वॉक पे चली जाओ, तो वॉक से आ रही हो। अभी आपके पैर पे चोट लगी है क्या? हाँ, ओस थी, पैर फिसल गया, गिर गई। संभल कर चलना चाहिए ना भाभी, ध्यान रखा करिए अपना। जानवी, तुम मॉर्निंग वॉक से आ गई? सो नाइस। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को कुछ देर के लिए आपसे चुरा के लेके जा सकता हूँ? तो क्या कहते हैं ना कि सुबह सुबह जब कपल साथ में वक्त गुजारता है तो काफी हेल्दी और काफी खुश रहता है। जाओ। थैंक यू। चलिए। कहाँ थी तुम रात भर जानवी? और ये तुम्हारे पैरों में क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ, वो एक्चुअली। शट अप। ये ना वो मैं क्या चल रहा है जानवी? कल पूरी रात परेशान था मैं, सो नहीं पाया तुम्हारी वजह से। तुम बिना बताए कहीं भी चली जाती हो और वहाँ घर वालों को मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि वो यहाँ है, वो ये कर रही है, वो सो रही है, वो डू आई डू? क्यों कर क्यों रही हो तुम ये सब कुछ? ऐसा जानबूझ कर क्यों करूँगी आकाश? I'm sorry. मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। जानवी, तुम मेरी एक बात मानोगी? तुम ये जो सोच रही हो ना, वो सब कुछ सही नहीं है। तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, जो लगेगा वो करेंगे। आई बुक एन अपॉइंटमेंट राइट नाउ, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। मुझसे खुश नहीं हो क्या? इसी बात नहीं आकाश। तो जानवी, अगर तुम मुझसे खुश हो तो सारी बातें बताते क्यों नहीं हो? क्यों शेयर नहीं करती हो? जानवी, क्या करूं बताओ, कैसे तुम्हारी मदद करूं? How do I help you? Please tell me. I'm really sorry. Please, मुझे माफ कर। जानवी, हर बात की सलूशन ना माफी नहीं होती है, कि जब कुछ हुआ माफी मांग ली और कुछ नहीं हुआ तो बस माफी मांग ली और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माफी मांगने का मतलब होता है कि गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। बट यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। तुम मुझे ऐसे हेल्पलेस देखना चाहती हो, ऐसे लाचार देखना चाहती हो कि मैं कुछ ना कर पाऊं, तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, तो मैं क्या करूं? हाउ डू आई हेल्प यू आउट? मैं ये बार बार बिना जवाबों के सवालों के साथ कैसे डील करूंगा, कैसे बताओ? आई कांट डू दिस एनी मोर। आकाश, कैसे बताऊं मैं? शेयर करो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वो सब कुछ शेयर करके मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती आकाश। I'm just helpless. क्या करूं?